ऊपर देखो, ऊपर ऊपर। अरे यार तुम्हारा इंट्रोडक्शन चल रहा है, ऊपर तो देखो क्या बेइज्जती करवा के रखे हो यार, ऊपर देख लो। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और यार आज का सीन ना बहुत ही मस्त हो रहा है, पता है क्या, सुबह सुबह ना धूप सेकने का ना मज़ा ही अलग है यार। और अभी ना सिर्फ 8 बज रहे हैं सुबह के, और सुबह सुबह धूप सेकते सेकते ठीक है ब्लॉग स्टार्ट करने का ना भाई मज़ा ही अलग है। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, मैं ना हर एक लेवल का एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, हर एक टाइम का एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, इतना मज़ा आ रहा है मैं क्या बताऊँ। और पता है क्या, अभी ना 8 ही बज रहे हैं और आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं इन मज़दूर भाइयों को। सुबह में ना 8 बजे से ही यार ये लोग काम अपना स्टार्ट कर दिए ठीक है। और मतलब आप समझ सकते हैं यार, ये लोगों का जो वॉल का ढलाई होता है ना, ये ढलाई रहता है तब मतलब ये लोगों को ना रात को 12 बजे 1 बजे तक काम करना पड़ता है, और सुबह में 8 बजे से काम स्टार्ट करना पड़ता है। मतलब आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा ये लोगों का ना प्रेशर रहता है काम का, मतलब ना अलग लेवल का प्रेशर रहता है यार ये लोगों का। मतलब अगर मतलब काम नहीं करेंगे ना तो भाई मतलब ये लोगों का ना मतलब गजब का ये रहता है। मुझे ना ये लोगों को देख के मतलब ना खाने का टाइम है, मतलब ना टाइम पे खाना है ये लोगों को है, ना टाइम पे सोना है, फिर भी काम तो काम करना ही है मतलब ये लोगों को। तो ठीक है यार, ये लोगों का काम है, ये लोगों का मेहनत है, वो रंग लाता ही है। अब घर के सामने यार इतना बड़ा ब्रिज बन रहा है, ये इसमें तो ये लोगों का ही आता है ना, मजदूर भाइयों का ही आता है। तो कोई बात नहीं है, फिलहाल ना मस्त चलते हैं नीचे और बोलते हैं मुकेश जी को ना मस्त गर्मा गर्म चाय के लिए, क्योंकि पता है क्या, धूप में तो ठीक था बट जैसे जैसे मैं नीचे आ रहा हूँ ना, नीचे में अच्छा खासा ठंड लग रहा है अभी भी, और अच्छा खासा ठंड लग रहा हो और मैं चाय ना पीऊँ ऐसा हो ही नहीं सकता यार। तो हाँ, मुकेश जी ने ना मस्त गर्मा गर्म चाय बना के हम लोगों को दे दिए हैं, और साथ में ना बिस्किट भी है, गर्मा गर्म नहीं है बस बिस्किट है। तो हाँ, अभी ना बस गर्मा गर्म चाय पीते हैं और बिस्किट खाते हैं। फिलहाल ना चाय बिस्किट खा के तो मस्त हो गया ठीक है। और अब मैं आप लोगों को कुछ बताने वाला हूँ, और वो आप लोग बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। पता है क्या, आज से एक महीने पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने बोला था कि एक गुड न्यूज़ है, और वो गुड न्यूज़ मैं आप लोगों को बताने वाला था ठीक है। सो हाँ, आज मैं वो गुड न्यूज़ बताने वाला हूँ, तुरंत अभी तुरंत नहीं बताने वाला हूँ बट कुछ देर में आज रिवील करूँगा ज़रूर ठीक है। वो गुड न्यूज़ क्या है क्या नहीं है सब चीज़ मैं बताऊँगा, डिटेल में बताऊँगा, और वो गुड न्यूज़ है क्या ये मैं आप लोगों को दिखाऊँगा अभी ठीक है। बाकी फिलहाल अभी तो मस्त चलते हैं फटाफट से, थोड़ा नहाना धोना हो जाए ताकि नाश्ता वास्ता भी कर लेंगे यार कुछ देर में, क्योंकि मम्मी गुस्सा नहीं होनी चाहिए, बस मम्मी गुस्सा हुई तो समझिए आपका कल्याण है। इसीलिए ना पहले फटाफट से चलते हैं, नहा धो लेते हैं, उसके बाद नाश्ता वास्ता कर लेते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को रिवील करूँगा कि आज गुड न्यूज़ है क्या, जो एक महीने पहले मैं आप लोगों को बताने वाला था बट नहीं बता पाया किसी कारण के वजह से, वो गुड न्यूज़ है क्या मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। सो बस देखते रहिए और मिलते हैं नहाने के बाद। सो गाइस यार, फिलहाल ना नहा धो के हो चुका हूँ मैं रेडी मस्त ऊपर से लेके नीचे तक। और पता है क्या, नहाने धोने के बाद जस्ट तुरंत से मम्मी ने ना नाश्ता निकाल दिया, और नाश्ता में है रोटी और सब्जी। तो हाँ, बस फटाफट से गर्मा गर्म नाश्ता करते हैं। और पता है क्या, अभी ना 11:30 हो गया यार, मतलब नहाने धोने में और थोड़ा सा ना कपड़ा भी था वो सब धोने में ना 11:30 बज गया यार, और भूख भी अच्छा खासा लग चुका है। तो बस गर्मा गर्म नाश्ता करते हैं फटाफट से। फिलहाल ना मस्त नाश्ता पानी हो चुका है, और हाँ अब टाइम आ गया है उस गुड न्यूज़ को रिवील करने का, उस गुड न्यूज़ को इंट्रोड्यूस करने का आप सबसे। सो लेट्स इंट्रोड्यूस आर न्यू फैमिली मेम्बर। अरे अरे रुक जा यार, अरे रुक जा, अरे तुम्हारा इंट्रोडक्शन चल रहा है, रुक जा, अरे रुक जा यार मेरा भाई, रुक जा। अच्छा अच्छा, सो आप कहाँ। सो मीट आर न्यू फैमिली मेम्बर छुटका। ओए ऊपर देखो, ऊपर। अरे यार तुम्हारा इंट्रोडक्शन चल रहा है, ऊपर तो देखो क्या बेइज्जती करवा के रखे हो यार, ऊपर देख लो। सो यार ये पता है कितना क्यूट है, पता है, तो एक महीने पहले ये जन्म लिया है ठीक है। मैं एक महीने से वेट कर रहा था कब इसका एक महीना पूरा होगा और मैं आप लोगों से इंट्रोड्यूस कर पाऊंगा। तो हाँ, इंट्रोड्यूसिंग आर न्यू फैमिली मेम्बर छुटका। यो हो, चलो रन। तो हाँ, ये ना दौड़ने में और खेलने में इतना ज़्यादा एक्सपर्ट है मैं क्या बताऊँ, और मैं आप लोगों से बस एक मिनट का ब्रेक लेना चाह रहा हूँ। 2000 years later. So, हाँ, फिलहाल ना पता है क्या, दुकान में ना कस्टमर आ गए थे जिसके वजह से मुझे एक मिनट का शॉर्ट ब्रेक लेना पड़ गया, और उसी शॉर्ट ब्रेक के बीच मुकेश जी ने मस्त गर्मा गर्म चाय भी मुझे पकड़ा दिया, और उसी के साथ हमारा ये जो छुटका है ये गाड़ी के साथ आज खेल रहा है ठीक है। इसका ना रोज का कोई ना कोई कारनामा चल ही रहा है, पिछले एक महीने से ना रोज का एक कोई ना कोई कारनामा इसका चल ही रहा है रेगुलर ठीक है। तो अभी ये क्या कर रहा है, ओए क्या कर रहा है, चलो 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 चलो, इसको ना धर धर कहिएगा ना, मतलब डरवाइएगा ना, तो बहुत ज़्यादा स्पीड दौड़ता है यार। अभी ना जस्ट बाहर मतलब बांधे हुए थे इसको, तो बस अभी तुरंत से अंदर लाया और इंट्रोड्यूस करवाया आप लोगों से, और बहुत ही मज़ा आया मुझे। और उसके साथ साथ इंट्रोड्यूसिंग माय मुकेश जी। हाँ, एक मैन प्लीज नहीं पकड़ेगी।
तो हाँ अभी फिलहाल इसको खेलने देते हैं, छुटका को अपने खेलने देते हैं और हम चलते हैं दुकान संभालते हैं, क्योंकि ना पापा को भी थोड़ा सा रेस्ट का जरूरी पड़ता है यार। क्योंकि ना सुबह से पापा जस्ट उठे हुए थे, तो मैंने अभी जस्ट पापा को बोला कि जाइए आप भी मस्त नहाइए धोइए नाश्ता वास्ता करिए, तब तक मैं दुकान संभाल लूँगा। तो हाँ अभी दुकान मुझे ही संभालना है और कितने देर संभालना है ये मुझे पता नहीं है, हो सकता है शाम भी हो सकता है। ठीक है तो अभी ना छुटका को लेके और बाहर में ही धूप में इसको ना बांध देते हैं, क्योंकि धूप में रहना इसके सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है। और धूप का नाम सुन के ये कितना स्पीड में भागता है आप देख सकते हैं। देखिए देखिए, अरे बस 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 मेरे भाई बस बस बस। तो अभी फिलहाल ना छुटका को धूप में ही रखेंगे ताकि धूप में ये खेले कूदे, और इसके लिए ना धूप अभी बहुत ज़्यादा सेहतमंद रहने वाला है, मतलब इसके सेहत के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। तो बस छुटका अभी धूप में ही खेलेगा। छुटका दौड़ 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 दौड़। फिलहाल अभी पता है क्या 2:30 बज रहे हैं, और पता है क्या सुबह में ना मैंने 2 या 3 रोटी ही खाया था बस, तो उसके बाद ना अभी यार इतना ज़ोरों का भूख लग गया है मैं क्या बताऊँ। ठीक है तो अभी मैंने मस्त गर्मा गर्म समोसे तल लिए, अब बस खाने भर की देरी है भाई, इतना ज़ोरों का भूख लग गया। और सामने में समोसा और लाल चटनी, मन मान नहीं रहा है, बस फटाफट से इसको चट करते हैं। तो यार फिलहाल ना समोसे खा के तो हो चुके हैं, और पता है क्या नीचे ना अच्छा खासा ठंड लग रहा है यार, पता नहीं क्यों, बट ना आज हवा भी बहुत ज़्यादा तगड़ा चल रहा है। ओ भाई साहब, मैं ना नीचे ठंड के वजह से ना ऊपर छत पे आया कि छत पे धूप में जाके बैठूंगा, यहाँ पता है क्या काम चल रहा है यार, मतलब मम्मी क्या बोल रही है, मक्खन मक्खन वाला काम चल रहा है, मक्खन निकल रही है ना भाई साहब, मतलब मम्मी ना पहले से ही धूप में बैठ गई है और धूप में बैठ के मक्खन निकाल रही है। वाह क्या बात है, आप लोग भी मक्खन देखिए। ठीक है और किसके किसके मुंह में पानी आया कमेंट में बताते जाइए, टेंशन मत लीजिए कमेंट में बताते जाइए। तो ठीक है यार मम्मी इधर अपना काम करेगी और मैं अपना काम तो कर ही रहा हूँ, ब्लॉग तो बना ही रहा हूँ यार। तो ठीक है यार कोई बात नहीं है, फिलहाल ना छत पे ही रहते हैं और थोड़ा सा धूप सेकते हैं, क्योंकि नीचे में भी बहुत ठंड लग रहा है और छत पे आना तो इधर हवा ही चल रहा है यार, एकदम हवा चले ही जा रहा है। इधर फिलहाल ना अभी शाम के 6 ही हो रहे हैं। ठीक है और पता है क्या, ये देखिए हमारे जो हीरो हीरा लाल लोग हैं, हीरा है, छुटका है, और ये हमारा सबसे छुटका वाला छुटका है। छुटका इधर इधर इधर। हाँ तो ये लोगों को ना अभी अंदर में कर दिए, घर के अंदर कर दिए हैं, क्योंकि पता है क्या मतलब यार अभी ना शाम के 6 ही बज रहे हैं और बाहर का मौसम आप देखिएगा, तब हवा भी चल रहा है, धुंध भी गिर रहा है, मतलब ना पूरा कोहरा कोहरा हो रखा है। मैं ना आप लोगों को छत से एक बार टाइम लैप्स का सेटअप दे देता हूँ, और पता है क्या इतना भयंकर वाला कोहरा गिर रहा है मैं क्या बताऊँ, रोड के इस पार से लेके रोड के उस पार कुछ दिख ही नहीं रहा है यार। चलिए ना आप लोगों को दिखाई देता हूँ, फिलहाल ना आप देख सकते हैं ये रहा इस साइड का रोड, और ठीक है और उस साइड का रोड में ना गाड़ी चल रहा है उतना ही मालूम चल पा रहा है, ठीक है उतना ही पता पड़ पा रहा है, बट ना आप उस साइड में देखिए कितना कोहरा कोहरा हो रखा है यार, और इस साइड में तो और भी ज़्यादा है, मतलब इस साइड में ना आप उस साइड में देख सकते हैं लाइट आ रहा है, इस वजह से पता भी पड़ रहा है कि पूरा कोहरा कितना ज़्यादा है, मतलब ना एकदम बहुत ज़्यादा वाला कोहरा गिर रहा है इस साइड में। अभी ना सिर्फ 6 बज रहे हैं शाम के, और शाम के 6 बजे आप देख सकते हैं इतना भयंकर वाला सीन हो रखा है मैं क्या बताऊँ। फिलहाल ना आई होप आप लोगों को छोटा सा टाइम लैप्स का क्लिप बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा, और पता है क्या इतना ज़्यादा ठंड हो रखा है बाहर में ना, इतना ज़्यादा कोहरा गिर रहा है कि हम लोगों ने पता है क्या किया, घर में ही ना आग जला दिया ताकि
थोड़ा सा घर का ये जो है टेम्परेचर ना वो गर्म रहे और हम लोगों को ज़्यादा ठंड ना लगे। और वैसे भी ना मम्मी ने फिर से अपना चूल्हा का सेटअप ना यहाँ पे रेडी कर लिया अपना खाना बनाने के लिए, तो मम्मी इधर मस्त खाना बना दिया। और मेन बात पता है क्या, इधर भी आग जल रहा है और इधर भी आग जल रहा है, बट इधर वाला जो आग है ना घर में वाला, वो वाला आग हम लोगों का हाथ पैर सीख रहा है और इस साइड का आग खाना सीख रहा है, मतलब खाना पक रहा है इस पर। तो ठीक है यार, कोई बात नहीं है, ये सब तो होता रहेगा, मैं ब्लॉग बनाता रहूँगा, आप लोग ब्लॉग देखते रहेंगे और देखते भी रहिए यार। और हाँ, साथ ही साथ ना मस्त अपना गर्मा गर्म खाना भी रेडी हो चुका है और खाने में धुसका, छोले और पता है क्या, सोयाबीन का भुजिया। तो बस यार, इतना मस्त और टेस्टी खाना देख के ना रहा नहीं जा रहा है, तो बस फटाफट से खाना चट करता है। फिलहाल ना मस्त खाना पीना हो चुका है और पता है क्या, अभी ना रात के 9:30 हो चुके हैं और आज का सारा काम फिनिश हो चुका है, सारा चीज़ हो चुका है, अच्छा खासा ब्लॉग भी बन गया, सारा काम हो चुका है। ठीक है, अब बस एक ही काम बाकी है, ब्लॉग एंड करना और ब्लॉग एडिट करके अपलोड करना, और ये ना सबसे मेन काम है। सो हाँ, फिलहाल ना मैं अब जा रहा हूँ ब्लॉग को एंड करने। सो आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया हो, अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, बाकी आपका जो मर्जी करिए यार, टेंशन फ्री रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, बाय बाय। लाइट आ रहा है इस वजह से पता भी पड़ रहा है कि पूरा कोहरा कितना ज़्यादा है, मतलब ना एकदम बहुत ज़्यादा वाला कोहरा गिर रहा है इस साइड में।